कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हरियाणा में धान की सरकारी खरीद ना होने से गुस्साए किसान। 23 घंटे से कुरुक्षेत्र में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे 44 जीडी रोड पर डटे हुए हैं। इसी बीच भाकियू अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी से मिलने के कुरुक्षेत्र के डीसी शांतन शर्मा और एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया शाहबाद पहुंचे हैं। दोनों पक्षों में जीडी रोड पर ही बातचीत हो रही है। अधिकारियों ने हाईवे खोलने की अपील की तो चढ़ूनी ने दो टूक कहा कि इन किसानों को कौन मनाएगा, खरीद शुरू कराएं। फिलहाल अधिकारी मौके पर ही मौजूद हैं। किसानों ने यहीं पर दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे जाम किया हुआ है। शनिवार को हरियाणा बंद करने की अपनी कॉल फिलहाल वापस ले ली। उनकी ओर से दिए गए वीडियो मैसेज में फिलहाल जीडी रोड ही जाम रखने की बात कही गई है। चढ़ूनी ने कहा कि खराब मौसम को देखते हुए हरियाणा में कहीं दूसरी जगह रोड जाम नहीं किए जाएंगे। हालांकि उन्होंने किसान नेताओं से अलर्ट रहने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसानों को जीडी रोड से उठाने का प्रयास किया जाता है तो तुरंत ही प्रदेश भर में रोड जाम कर दिए जाएंगे। चढ़ूनी ने हरियाणा सरकार को शनिवार से ही राज्य की मंडियों में धान खरीद शुरू कराने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर किसान आंदोलन तेज करने को मजबूर हो जाएंगे। बता दें कि जाम की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने कई रूट डाइवर्ट कर दिए हैं। हेंगुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि धान की खरीद ना होने के चलते किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसानों की धान की कई किस्म पककर खेतों में तैयार है और काफी किसानों की फसल कट भी चुकी है, लेकिन खरीद ना होने के चलते बरसात के कारण उनकी धान की फसल खराब हो रही है और उनको आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।